हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू योर चैनल क्लासिक एजुकेशन आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही बेसिक्स और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टेंसेस सो बेसिकली टेंसेस होते क्या हैं टेंसेस एक एक तरीके का टेंसेस हमारे टाइम को डिनोट करते हैं और इसे हिंदी में क्या कहते हैं हम काल सो so, हम इसके बारे में आइए डीप में नॉलेज लेते हैं थोड़ी सी इन इंग्लिश ग्रामर वर्ब्स आर ऑफन यूज इन ए वे That it indicates or denotes the time when an event occurred. English grammar में verbs जो कि हमारे action होते हैं वो इस तरीके से use किए जाते हैं कि या तो वो indicate करते हैं या denote करते हैं किसको time को जब एक event हमारा occur होता है एक event हमारा occur होता है These verbs that take up different forms to indicate the action of a time, event or condition by changing its form are called as tenses. Tenses hote kya hai जो verbs हमारे different forms लेती हैं किसको indicate करने के लिए time को किस time वो action हुआ था या किस time वो event हुआ था या condition क्या थी उस time किसको चेंज करके उसकी फॉर्म को चेंज करके तो उसे हम टेंसिस बोलते हैं टेंसेस को मेनली थ्री पार्ट्स में कैटेगराइज किया जाता है क्लासिफाइड किया जाता है प्रेजेंट पास्ट एंड कंटीन्यूस प्रेजेंट टेंस जो हमारा भी चल रहा है वर्तमान काल पास्ट टेंस जो हमारा बीत चुका भूतकाल एंड फ्यूचर टेंस जो हमारा अभी आने वाला है काल सो so, हम टेंसेस के कैटेगराइज टेंस को एक बार दोबारे से देख लेते हैं टेंथिस के मेनली पहले थ्री पार्ट्स होते हैं पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर देन इनके फोर फोर सब टाइप्स होते हैं तो देयर आर ट्वेल्व सब टाइप्स ऑफ टेंसेस सिंपल परफेक्ट कॉन्टीन्यूस एंड परफेक्ट कॉन्टीन्यूस तीनों के ऐसे ही होते हैं इसलिए ट्वेल्व सब टाइप्स होते हैं टेंसेस के तो so, आज हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में पास टेंस एंड उससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में सो so, सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम यूज़ कहाँ करते हैं टू एक्सप्रेस हैबिट्स जनरल ट्रूथ रिपीटेड एक्शंस और अनचेंजिंग सिचुएशंस इमोशंस एंड विशेज किसको हैबिट्स को एक्सप्रेस करने के लिए जनरल ट्रूथ्स को एक्सप्रेस करने के लिए जो हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं रिपीटेड एक्शन जो हमारी एक्शंस रिपीट होते हैं उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए अनचेंजिंग सिचुएशंस के लिए इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए विशेस को एक्सप्रेस करने के लिए हम कौन सा टेंस यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस किसी को इंस्ट्रक्शन देनी हो डायरेक्शन देनी हो उसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे कोई फिक्स अरेंजमेंट एक्सप्रेस करना हो प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो हम उसके लिए भी सिंपल टेंस यूज़ करेंगे फ्यूचर टाइम को अगर किसी कंजक्शन के बाद हम फ्यूचर टाइम एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम सिंपल टेंस यूज करते हैं इट इज़ यूज टू डिनोट साइंटिफिक फैक्ट्स किसको डिनोट करने के लिए साइंटिफिक फैक्ट्स जिसको कोई हम आम आदमी चेंज नहीं कर सकते जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं उन्हें एक्सप्रेस uh, करने के लिए हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्क डन ऑन डेली बेसिस जो हमारी हैबिचुअल हैबिट्स हैं हैबिट्स हैं जिनके हम हैबिचुअल हैं जो हम डेली बेसिस पे काम करते हैं डेली रूटीन है हमारा मेनली उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं हम इसके सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स की बात करते हैं एसर्टिव रूल जो हमारा होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस सी एस प्लस ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल में शी राइट्स अ लेटर जो हमारा नेगेटिव रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस डज या डू नॉट प्लस वो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जो डज नॉट डज होता है वो हमारा सिंगुलर के साथ आता है एंड डू हमारा प्लूलर के साथ आता है एग्जाम्पल्स के लिए शी डज नॉट राइट अ लेटर इंटरोगेटिव रूल जो होता है वो होता है डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल के लिए डज शी राइट अ लेटर इंटैरोगेटिव नेगेटिव असर्टिव ये जो होता है इसका रूल क्या होता है डज प्लस डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अगर हमें इसमें नेगेटिव बनाना हो तो हम नॉट लगा देंगे अगर हमें असर्टिव बनाना हो तो नॉट नहीं लगाएंगे शो इसका एग्जाम्पल डज शी नॉट राइट अ लेटर अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस कॉन्टीन्यूस से ही हमें पता चल रहा है कि वर्क अभी कंटिन्यूइंग में कंटिन्यूइंग नेचर में है, वो चल रहा है अभी भी तो इसकी बात करते हैं दिस टेंस इज़ यूज टू डिस्क्राइब अ कंटिन्यूड और ऑन गोइंग एक्शन एट द प्रेजेंट टाइम ये टेंस क्या डिस्क्राइब करता है कि एक वर्क एक एक्शन अभी भी कंटिन्यूड है प्रेजेंट टाइम में ऑन गोइंग है अभी भी इट एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज़ इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एंड हैज़ नॉट येट बीन कम्प्लीटेड अभी भी अभी वर्क चल रहा है जब हम बात कर रहे हैं वो अभी तक कम्प्लीट नहीं हुआ है तो इसकी कुछ कंडीशंस और भी देख लेते हैं हम एज मैंशनड अबव इट इज़ यूज फॉर एन एक्शन डेट इज़ अक्रिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जैसा कि हम इसके बारे में जान चुके हैं जब हम बोल रहे होंगे उस टाइम जो एक्शन कंटिन्यू नेचर में होगा उसके लिए हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस यूज करेंगे वैन एन एक्शन इन द फ्यूचर इज मैंशनड विदाउट स्पेसिफाइंग वैन इट बिन अकर एक एक्शन जो कि फ्यूचर में होने वाला है लेकिन उसके बारे में ये मैंशन नहीं करा कि वो कब होगा तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस लगाएंगे वेन वी टॉक अबाउट अ प्लांट और अरेंज इवेंट और एक्शन डेट इज़ सेट टू टेक प्लेस एट अ स्पेसिफाइड टाइम इन अ फ्यूचर जब हम किसी प्लांट या अरेंज्ड इवेंट की बात करें एक्शन की बात करें जो कि एक एक प्लेस पे होगा एक स्पेसिफाइड टाइम पे होगा फ्यूचर में तब भी हम उसके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ही यूज़ करेंगे विद एडवर्ब सच इज़ ऑलवेज ऑलवेज हमारी एडवर्ब है उसको विच डिस्क्राइब एन एक्शन डेट हैपन्स फ्रीक्वेंटली ऑलवेज के साथ भी हम इसे यूज कर सकते हैं इट इज़ यूज इन ए चेंजिंग सिचुएशन जो चेंज सिचुएशन हो रही होगी उसमें भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ कर सकते हैं है, है। अब इसके रूल्स की बात कर लेते हैं कि इसके भी तो कुछ रूल्स होते हैं तो वो हमें याद करने पड़ते हैं एसर्टिव रूल क्या है सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट इज किसके लिए लगता है सिंगुलर के साथ एम आई के साथ एंड आर प्लूलर के साथ नेगेटिव रूल क्या है इसका सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट इसका एग्जाम्पल शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर इंटेरोगेटिव रूल क्या है इसका इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट इसका एग्जाम्पल इज शी राइटिंग अ लेटर इंटेरोगेटिव नेगेटिव रूल इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल के लिए इज शी नॉट राइटिंग अ लेटर सो so, यहाँ पे हमने बात करी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस की अब नेक्स्ट पे चलते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज़ यूज इन केस ऑफ रिपीटेड एक्शंस जो रिपीटेड एक्शंस के केस में हम कौन सा यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन दोज एक्शन वेयर द टाइम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कौन से एक्शन जहाँ पे टाइम इम्पॉर्टेंट नहीं होता एंड एक्शन बिगेन इन द पास्ट जो एक्शन पास्ट में बिगेन हो जाते हैं लेकिन अभी तक फिनिश नहीं हुए एंड विल प्रोबेबली फिनिश इन द प्रेजेंट एज वी स्पीक लेकिन वो कब फिनिश हो जाएंगे प्रेजेंट में हो जाएंगे अभी फिनिश हो जाएंगे वो द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैन बी यूज इन फॉलोइंग सीनरियोज इट इज़ कॉमनली यूज इन एक्शंस और इवेंट्स डेट बिगेन इन द पास्ट एंड हैव कंटिन्यूड इन द प्रेजेंट जो अभी प्रेजेंट में चल रहे हैं दे आर यूज टू शो एन एक्शन डेट हैज बिन कंप्लीटेड जो एक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं पास्ट में लेकिन टू इंडिकेट अ टाइम पीरियड डेट हैज नॉट येट फिनिश्ड एक टाइम पीरियड को ऐसे इंडिकेट करने के लिए जो अभी तक फिनिश नहीं हुआ है दिस टेंस इज ऑफन यूज विद फ्रेजेज डेट बिगीन विद दिस इज फर्स्ट और सेकेंड टाइम एंड सो ऑन इज यूज टू डिस्क्राइब और एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज़ रिपीटेड इन द पास्ट जो एक्शन एक ऐसा जो रिपीटेड था पास्ट में उसके लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज टू इंडिकेट और डिस्क्राइब एक्शंस दैट हैव बीन कंप्लीटेड इन द रीसेंट पास्ट जो हमारा पास्ट में रीसेंट पास्ट में अभी कंप्लीट हुआ है ऐसा एक्शन उसको इंडिकेट करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाएंगे यूज करेंगे अब आइए इसके रूल्स के बात कर लेते हैं एसर्टिव रूल जो इसका होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जो हैज़ होगा वो सिंगुलर के साथ लगेगा एंड जो हैव होगा वो प्लुलर के साथ लगेगा एग्जाम्पल के लिए शी हैज़ रिटर्न आ लेटर नेगेटिव रूल सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट शी हैज़ नॉट बीन

प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस दिस टेंस इज़ जनरली यूज टू डिस्क्राइब और इंडिकेट एन इवेंट डेट इज गोइंग ऑन एट दिस मोमेंट ऐसा कोई मोमेंट uh, या इवेंट जो अभी तक इस समय तक गोइंग ऑन है कंटिन्यूइंग नेचर में है वो स्टार्ट पास्ट में हो चुका था लेकिन कंटिन्यू है पास्ट में और कंटिन्यू रहेगा कंटिन्यू था पास्ट में कंटिन्यू रहेगा प्रेजेंट में एंड कंटिन्यू रहेगा फ्यूचर में तो ऐसे इवेंट को हम आ, इंडिकेट करने के लिए डिस्क्राइब करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस यूज करते हैं इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन इवेंट डेट बिगेन इन द पास्ट एंड इज कंटिन्यू इन द फ्यूचर जो पास्ट में बिगेन हो चुका है लेकिन कंटिन्यू रहेगा फ्यूचर तक इसके रूल्स की बात कर लेते हैं एसर्टिव रूल सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट अब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्यों लगाई बिकॉज दिस इज़ कंटिन्यूइंग नेचर वर्क कंटिन्यूइंग है वो जो कंटिन्यूइंग होगा उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगी एंड हैज हैव इसलिए लगाया क्योंकि वो अभी भी चल रहा है पहले स्टार्ट हुआ था कब स्टार्ट हुआ था पास्ट में तो इसलिए हैज हैव लगाया इसमें Example, she has been written writing a letter. Negative rule, subject plus has have plus not been plus verb ki first form plus ing plus object. She has not been writing a letter. Interrogative, has have plus subject plus been plus verb ki first form plus ing plus object. Has she been writing a letter? interrogative negative rule has f plus she plus not plus been plus verb ki first form plus ing plus object example has she not been writing a letter so thank you for watching this video subscribe my channel and press the bell icon to get all the notifications like and share this video to your friends and colleagues thank you